पश्चिम बंगाल के कोलकाता में ट्रेनी महिला डॉक्टर से दुष्कर्म के बाद हत्या के मामले में विवाद काफी गंभीर हो गया है। मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर और छात्र सड़क पर उतरकर लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इस पर राजनीति भी तेज हो गई है। तो वहीं इस पूरे मामले में मजिस्ट्रेट जांच की मांग को लेकर जूनियर डॉक्टर्स, प्रशिक्षु और स्नातकोत्तर प्रशिक्षुओं ने लगातार चौथे दिन भी हड़ताल जारी रखा है। इससे राज्य भर में अस्पताल सेवाएं सोमवार को बाधित रहीं। वहीं दूसरी ओर जिस आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में भयावह घटना हुई, वहां के प्रिंसिपल ने अपने पद से इस्तीफा भी दे दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर अपने अपमान की बात कही है। अब इसी बीच कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज हेड हॉस्पिटल में जूनियर डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या के सिलसिले में कोलकाता पुलिस ने सिविक वॉलंटियर को भी गिरफ्तार किया है। खैर, सिविक वॉलंटियर कौन है और उसका क्या काम है, चलिए बताते हैं। पश्चिम बंगाल सरकार की वेबसाइट के अनुसार पश्चिम बंगाल और कोलकाता में पुलिस के कामकाज में मदद के लिए सिविक वॉलंटियर पद का सृजन किया गया। आधिकारिक तौर पर इन्हें सिविक वॉलंटियर कहा जाता है, फिर भी कई लोग इन्हें सिविक पुलिस कहते हैं। यह बल मूल रूप से बंगाल में पुलिस की सहायता के लिए बनाया गया था। हालांकि ऐसे कई उदाहरण हैं जहां सिविक वॉलंटियर खुद को पुलिस के बराबर मानते हैं। इनकी नियुक्ति कॉन्ट्रैक्ट पर होती है और पुलिस की ओर से मासिक पारिश्रमिक दिया जाता है। वामपंथी शासन के दौरान सिविक वॉलंटियर जैसा कोई पुलिस बल नहीं था। साल 2008 में नगरपालिका विभाग ने कोलकाता में यातायात को नियंत्रित करने के लिए ग्रीन पुलिस नामक एक बल का गठन किया। इस टीम को बनाने की मुख्य पहल ममता बनर्जी सरकार के गठन के बाद 2012 में शुरू हुई। पश्चिम बंगाल सरकार की वेबसाइट के अनुसार अपर्याप्त पुलिस कर्मियों के कारण 2013 में 40,000 पुलिस अधिकारियों और 1.3 लाख सिविक पुलिस वॉलंटियर की भर्ती करने का निर्णय लिया गया था। वेबसाइट पर यह भी बताया गया कि इस टीम में 1,19,916 लोगों की भर्ती की गई। प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार बल के गठन के पीछे मूल विचार पुलिस की सहायता के लिए अनुबंध के आधार पर सिविक वॉलंटियर की भर्ती करना था। अनुबंध को हर 6 महीने में नवीनीकृत किया जाना था। उनकी प्राथमिक जिम्मेदारियों में यातायात नियंत्रण और मेलों और त्योहारों में भीड़ का प्रबंधन करना शामिल था। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो संजय राय 2019 में कोलकाता पुलिस के आपदा प्रबंधन समूह में एक सिविक वॉलंटियर के रूप में शामिल हुआ। वहीं जूनियर डॉक्टर से दुष्कर्म और हत्या के मामले की जांच के दौरान पुलिस को इमरजेंसी विभाग की बिल्डिंग की तीसरी मंजिल पर सेमिनार कक्ष में एक टूटा हुआ ईयरफोन मिला, जहाँ शुक्रवार को जूनियर डॉक्टर का शव मिला था, जिसे उसकी पहचान हुई थी। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर संजय राय को सुबह 4 बजे अपने गले में ब्लूटूथ डिवाइस लटकाए हुए इमरजेंसी विभाग में प्रवेश करते हुए देखा गया। जब वो 40 मिनट बाद भवन से बाहर निकला तो ईयरफोन दिखाई नहीं दिया। बाद में पता चलता है कि डिवाइस उसके सेलफोन से जुड़ी हुई थी। उसी आधार पर पुलिस ने उसे दुष्कर्म और हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया। बाद में उसने आरोप स्वीकार भी कर लिया। इससे पहले असीन खान हत्याकांड में भी सिविक वॉलंटियर को लेकर विवाद सामने आया था। उस समय राज्य को कोर्ट में सवालों का सामना करना पड़ा था। जस्टिस राजशेखर मंथा ने सिविक वॉलंटियर के लिए गाइडलाइन बनाने का आदेश दिया था। राज्य पुलिस आईजी को यह गाइडलाइन तैयार कर कोर्ट में जमा करने का निर्देश भी दिया गया था। पुलिस ने इस बाबत गाइडलाइंस में कोर्ट में जमा कर दी थी, लेकिन अब फिर से सिविक वॉलंटियर के कामकाज को लेकर सवाल उठे जो कि चर्चाओं का विषय बना हुआ है। बहरहाल, इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। videodex@amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।